जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की बेटी इरमीम शमीम ने इतिहास रच दिया। शमीम ने जून में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की प्रवेश परीक्षा पास कर ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। जानकारी अनुसार एम्स में दाखिला लेने वाली वह पहली गुज्जर गर्ल है। यही नहीं, इरमीम काफ़ी करीब परिवार से है। इरमीम ने अपनी कड़ी मेहनत से ये टेस्ट पार किया, बल्कि इस संस्थान में एंट्री भी पा ली। 2019 क्वालिफाई किया, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला को का शुक्र अदा करना चाहूँगी। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बस हार्डवर्क करने की ज़रूरत होती है। आप जितना हार्डवर्क करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। और ये काफ़ी कुछ भी मुश्किल या टफ नहीं होता, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी होती। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, पर ये लाइफ का एक पार्ट होते हैं। आपको इनको पार करके अपनी आपकी जो आपका जो एम है, आपकी जो मंजिल है, उसकी तरफ ही आपको अपना पूरा आपको डिटरमाइंड रहना चाहिए। और आप ज़रूर अपने जो आपका जो एम है उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। सीमा भर्ती जिले के दनोहर गांव की रहने वाली इरमीम की राह काफ़ी मुश्किल भरी थी, तो वहीं इरमीम के चाचा ने खुशी जताते हुए कहा कि लड़कियां इस क्षेत्र की आशा है। मुल्क भर में नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर किस कदर अपने नुमाया कारकर्दगी के मुताबिक, चाहे वो स्पोर्ट्स में हों, चाहे वो एजुकेशन में हों, चाहे वो IAS में हों, चाहे IPS में हों, KS में हों, या दूसरे अपने पढ़ाई आला तालीम के सिलसिले में हों, उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है। हमारी जो ये लड़की एम्स में आई है, ये रजौरी के एक छोटे से गांव जिसको सरहदी इलाका कहा जाता है, रजौरी पुंछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, तो इस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। तो रोज़ाना जो इसकी तालीम का सिलसिला था वो 8 या 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाना और घर वापस आना, फिर जो है इसको कंटिन्यू करना। तो क्योंकि इंसान मुश्किल, जैसे इसने पहले ही कहा कि मुश्किल के बाद जो है इंसान जीत की तरफ जो है पहुंच सकता है, तो जो इंसान मुश्किलें फेस करता है ज़िंदगी में वही कामयाबी की जो है जीने सीढ़ियां चढ़ सकता है। तो इसने जो एम्स में, मुझे लगता है रजौरी पुंछ की जो है लड़की पहली होगी जिसने एम्स की सीट निकाली है, तो सभी लड़कियों के लिए जो गर्व की बात है। क्योंकि आज आपने देखा होगा स्कूलों में तादाद लड़कियों की ज़्यादा है, कॉलेज में तादाद लड़कियों की ज़्यादा है, हर जगह जो लड़कियाँ आगे हैं, क्योंकि हमारे जो लड़के हैं आपने देखा होगा कि बुरी तरह मुंशियात में मुलव्वस हैं। तो नशे के कारण जो है आज हमारी जो जनरेशन, नई जनरेशन जो है उसके नौजवान जो है तबाही और बर्बादी के रास्ते पे हैं। तो आज जो कमान जो संभाली है लड़कियों ने, इसके लिए ये काबिले मुबारक हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इससे भी कहीं ज़्यादा करें, तो इसके लिए भी ये काबिले मुबारकबाद है, हमारे रजौरी के लिए काबिले फ़ख्र बात है। तो इसमें हम सब जो है इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए नेशनल18 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।